कथा इंदौर से आपको कहा था कि सोमवार की जो अष्टमी है ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के मिलन का सुख है और केवल मेरा देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, माँ जगजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगनियों के साथ में भगवत भजन में स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूँगा आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस साल 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का कार्तिकेय जी का स्मरण कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधना। शिव से निवेदन कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो जाए, ये आप कृपा करिए। और अगर आप कृपा ना करते तो फिर कौन करता। कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे बाबा, अगर आप करुणा ना करते तो संसार के इस सागर से, भव सागर से निकलना बड़ा कठिन था हमारा।